देखिए फ्रेंड्स, ये है डबल स्टोरी स्टेयरकेस। तो डबल स्टोरी स्टेयरकेस इसको जब बोला जाता है क्योंकि बीच में हमने सेंटर में इसको प्लेटफॉर्म दिया है और एक ये है और एक ये डबल स्टोरी आपका ये हो गया है। तो इसमें देखिएगा, मैं आपको ये बताता हूँ ये जो हमने प्लेटफॉर्म लगाया कितनी हाइट पर लगाया। मैक्सिमम जब डबल हम बनाते हैं तो हमने अपना छत से लेकर नीचे तक का हमने पूरा मापना पड़ता है। नीचे से लेकर ऊपर तक हमने मापने के बाद इसको हमने सेंटर में दिया है प्लेटफॉर्म को। सेंटर में देने के बाद देखिएगा, हमने ये जो स्टेयर केस है हमने यहाँ से ये चढ़ाया, उसके बाद हम इसको लेके जा रहे हैं। जब ये हमारा लेंथ आ रहा है तो ये जो हमने प्लेटफॉर्म इसका हमने बनाया है, ये हमारा प्लेटफॉर्म 6x3 का प्लेटफॉर्म है। ऊपर का भी हमारा 6x3 का प्लेटफॉर्म है और ये 3x9 का हमारा स्टेप हमने अंदर अंदर बनाया है। तो इसमें मैंने 1.5x3 की पाइप यूज करी है और 2x4 की इसमें पाइप यूज करी है साइड से। तो देखिएगा, इसमें अभी एक वहाँ पर हमने टेम्परेली पिलर खड़ा किया है, अभी इसमें प्रॉपरली मैंने को पिलर भी देना है और ये मेरा सारा वही लमसम हो गया है। अच्छा, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। तो नीचे मैंने कम से कम 1 फीट खड्डा करके इसमें बजरी डाल के इसमें कंक्रीट करेंगे। ये कंक्रीट करने के बाद हालांकि इसका मजबूती अच्छा मिल जाए। तो ये देखिएगा, अभी हम इसमें मार्बल की जगह अभी हम इसमें बी बोर्ड लगा रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये हमने अभी सिंपल बना कर रखा है क्योंकि इसमें जब हमारा बी बोर्ड आएगा तो और कुछ लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने 16 mm के थिकनेस का बी बोर्ड लगा रहे हैं। ये देखिएगा, ये मसाला सीमेंटेड बोर्ड होता है। तो ये हमने फिक्स काटा है, अभी इसको हम लगाने के बाद इसमें स्क्रू भी मारेंगे। तो ये देखिए, हमने ये सारा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है और अभी इसमें कंप्लीटिंग का काम चल रहा है। देखिएगा, इधर में मार्किंग करके इसका ये काटा जाएगा, फिर इसकी सेटिंग करके बैठाया जाएगा। अभी इसके अंदर भी थोड़ा पाइप भर के 7 इंची के गैप से हम पाइप भर के इसमें भी हम पूरा बी बोर्ड डालेंगे और ऐसा ही सेम प्रोसेस हमने ऊपर में करना है। अभी थोड़ा इसका पेंट बाकी है, पेंट मारने के बाद इसको हमने सेम बिल्कुल प्रोसेस यही करना है। तो ये देखिएगा, ये हमने सारा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसमें प्रॉपरली ही दिखाऊँगा इसमें हमने क्या क्या करना पड़ता है। और हमारे पास जो चीज़ का ज़्यादा यूज है, तो जो ग्राइंडर सबसे ज़्यादा इसमें चलता है, ड्रिल मशीन इसमें चल रहा है हमारा, 3 ही आइटम का यूजिंग ज़्यादा आ रहा है। तो ये देख रहे हम 2 चला रहे हैं, एक ये है ग्राइंडर और एक वहाँ पर है, 2 लड़के लोग इसको कटिंग करके, एक बंदा लोग कटिंग कर रहा है और एक लड़का लोग इसमें सेटिंग करके बैठा रहा है। तो ये देखिएगा, फाइनली इसमें मजबूती और इतना सुंदर लगता है ना, ये प्रॉपरली फाइनल हो जाने के बाद मैं आपको सारा दिखाऊंगा। ये देखिएगा, अभी ये सारा खाली खाली दिखता है, फिर इसमें मैं आपको प्रॉपरली ही सारा ठीक से दिखाऊंगा। अभी चलने में जास्ती प्रॉब्लम है इधर में। तो ये देखिएगा, इसके बाद हमने ये ऊपर आने के बाद देखिए, यहाँ पर एक इसमें बेडरूम, किचन और ये टॉयलेट बाथरूम सब बनना है। ये कार नीचे में बेडरूम भी रहेगा, तो इसमें सारा प्रॉपरली फाइनली बनेगा। मैं आपको स्टेयर केस सारा दिखाऊंगा, अभी तो मेरा थोड़ा काम चल रहा है। ये जब फाइनली होगा तो मैं आपको फाइनली में दिखा देता हूँ कितना कैसा लगना है।